नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आपका तूफान, आंखों में सम्मोहन, आंखों से निकले जहरीले नार। नागराज अपराधियों का मिटा दे नामो निशान। राज कॉमिक्स में नागराज का नया कॉमिक। कही अनकही बातें, शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद लगातार प्रवासी लोगों को उनके घर जाने में मदद कर रहे हैं। आइए जानते हैं सोनू सूद और उनके करियर के बारे में कुछ अनकही बातें। कोरोना वायरस जैसे संकट के समय में लॉकडाउन की परिस्थितियों के बीच सोनू सूद बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। वह लगातार अप्रवासी ज़रूरतमंदों की अलग अलग तरह से मदद करने के लिए चर्चा में बने हुए हैं। लाखों श्रमिक आपके लिए दुआ करेंगे। नहीं नहीं यार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारी की दुआ है जो आप तीन दुना रात जगना पड़े। नहीं बस आप भी खुश रहो, जल्दी वापस आओ। एक से दो महीना में जैसे ये हमारा कोरोना वायरस काउंट रहेगा हम वापस आ जाएंगे। क्या करते हो सर? हम इमिग्रेशन लाइन में काम करते हैं। इमिग्रेशन? ओ वेरी गुड वेरी गुड। चलो जल्दी आओ वापस। ये बसेस फुल हो गई है क्या? फुल हो गई क्या बसेस? ये बसेस फुल है क्या? फुल है क्या? आराम से जाओ बच्चे, मास्क पहन के खाते पीते जाओ आराम से। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सोनू सूद 1999 में कलजा गर्ग और नेंजी नाइल जैसी तमिल फिल्मों के साथ चर्चा में आना शुरू हुए थे। हालांकि अपने ऑन स्क्रीन काम के अलावा बॉलीवुड अभिनेता के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो फैंस को शायद पता नहीं होंगी, तो आइए जानते हैं सोनू सूद से जुड़ी कुछ अनकही बातें। बचपन से ही बनना चाहते थे स्टार। सोनू सूद के पिता और माता का नाम शक्ति सूद और सरोज सूद है। उनके पिता की बॉम्बे क्लॉथ हाउस नामक मोगा में कपड़े की दुकान थी और उनकी माँ एक प्रोफेसर थी। ऐसा कहा जाता है कि स्टार हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे। हालांकि उनकी माँ चाहती थी कि वे बड़े होकर कुछ अच्छा काम करें और एक बड़ा आदमी बने, इसलिए सोनू को इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर भेजा गया। वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गए थे, लेकिन फिर भी एक हीरो बनने की ललक उन्हें कभी नहीं छोड़ा। दबंग अभिनेता ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 23 वर्ष की कम उम्र में सोनाली सूद से शादी की थी। दंपत्ति के अब ईशान और आयान नाम के दो बेटे हैं। सोनू सूद एक टीवी विज्ञापन में भारतीय सुपर हीरो नागराज की भूमिका निभाई। शुरुआत में सोनू को प्रोजेक्ट के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि वह एक भारी व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि वह 5-6 लोगों के साथ एक 1 BHK फ्लैट में रहते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार एक दिन सोनू को फ़ोन आया कि उन्हें साउथ की फिल्म के लिए चुना गया है। जोधा अकबर अभिनेता ने क्षेत्रीय फिल्मों में अपना नाम बनाते हुए बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म शहीद आज़म भगत सिंह थी, जिसमें सोनू ने भगत सिंह की भूमिका निभाई थी। सोनू सूद के शौक।
बाद में 2010 में सोनू सूद को दबंग में छेदी सिंह के किरदार से बहुत बड़ी पहचान मिली। सोनू सूद ने गिटार बजाना काफ़ी पसंद किया। उन्होंने किक बॉक्सिंग भी सीखी है। फिटनेस फ्रीक होने के साथ साथ अभिनेता को जिम में बहुत अधिक समय बिताना अच्छा लगता है। तो ये थी सोनू सूद से रिलेटेड कुछ कही अनकही बातें। और ऐसी और कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।